पायल की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। गाइस पायल को ना बहुत तेज पेन हो रहा है, उसको भी लेके मैं साथ में जा रही हूँ हॉस्पिटल। चलो बेटी चलो। समझ में नहीं आती है तुम्हें, उसको पेन हो रहा है, तुम्हारे फैशन नहीं होते खत्म। मैं ज़ायद को घर पे नहीं छोड़ सकती ना अकेला, वो रोता है फिर। सुबह देख लिया क्यों हो रही है, मेरा फोन वहीं छोड़ा है। अब खुशखबरी दे दे, सब रो मत ना, बस एक मिनट में पहुंच जाएंगे बस। तो गाइस बस सब कुछ ठीक हो, दुआ करना बस। पाँच मिनट पायल, तो जैसे भी होता है डॉक्टर बताएंगे, हम आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस अभी बहुत तेज पायल की आवाज आई चीखने की, अभी आप गैस कर सकते हैं। तो बच्चे क्या आने वाले हैं घर में, दोनों लड़कियां। तो ये हमारी दिल्ली इच्छा है, पता नहीं रात को डिलीवरी हो जाएगी। अब रोक रही है बस, हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बच्ची को नहीं देख पा रहे ना, अब देखना। आज के दिन मम्मी पापा की याद आते, गोलू देखते हैं वो तेरी सारी वीडियो। तू क्यों रो रही है अबे, चुप हो। मम्मी पापा मुझे पता है आप लोग सब मुझे रोज देखते हो, कल आप लोग फिर से नाना नानी बनने वाले हो। नाराजगी जिंदगी भर रखना, पर कल के दिन मत रखना। सरप्राइज मिलेगा आपको अगली वीडियोस में, पहली बार बोला कभी नहीं बोला जिंदगी में। खुशियां ही खुशियां देखो चारों फैली। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पायल की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, पेन हो रखा उसको। तो अभी मैंने डॉक्टर से बात किया था, डॉक्टर 8 बजे आने वाले, तो तब तक पायल को थोड़ा चाय पानी दिया है। तो शायद क्या पता आज हम उसको लेके जाएं कंफर्म, और सुबह की डिलीवरी हम उसको करवाने जा रहे हैं फाइनली। तो गाइस लगता है जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, और बस दुआ करना कि सब कुछ ठीक ठाक हो। लड़की को लेने की तैयारी में हम, उल्टी आ रही है, थोड़ा कर ले वो मिनट। खड़ी हूं, एक काम करते पहले जाके एडमिट करवा लेते, मैं आ रहा हूं। नहीं उठा पाती ना इसको, जाता मेरे से अब। तो डॉक्टर ने दी थी भैया 1 तारीख, और अब इससे रहा नहीं जा रहा, पेन भी हो रखा है इसको। तो शायद अभी हमें इसको लेके जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इसको कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं दोबारा से, चल रहे हैं ना डॉक्टर, टाइट हो रहा है, पेट बहुत ज्यादा, एडमिट कर लेंगे इसको। पेट टाइट हो रहा है इसका, देखो छूके बहुत तेज, बहुत ज्यादा पत्थर जैसा हो गया। हाँ, टाइट हो रहा है बहुत ज्यादा। आ जाओ बाबू, आ जाओ, भी तो बढ़ता जा रहा है मेरा। पानी लाऊं, लिंकल लाऊं, कुछ लेके आऊं? वोमिटिंग आ रही, वोमिटिंग करके चलना फिर हॉस्पिटल, जल्दी क्यों लेट कर रहे हैं। चल वोमिट करना भी आसान है क्या? तो चलते हैं, बहुत मुश्किल है यार। खड़ी हूं मैं, हूं ना, चल। डर लग रहा है वोमिट से। आंटी खींच, नींबू पानी पी, नींबू पानी नहीं, कुछ पीना नहीं है। शांति इनो रखी है, हैं इनो 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 पी सकती, इनो लिम का पी ले पायल। इनो नहीं, वो तो वो होती है, एक डका डका है। तू खड़ी हो, मैं कराती हूं, इधर दर्द हो रहा है, मैं करवाती हूं। मेरे दर्द हो, खड़ी हो अभी, लेकिन 1 तारीख की रहा। अरे हो रहा है यार, पेन हो रखा है, तो चल ना बच्चा के पकड़ वाले। डॉक्टर ने बोला था गाइस इसको कि जब भी आपको लगे आपको पेन हो रहा है, बिल्कुल भी घर पे वेट मत करना। पायल देखो, हम रिस्क नहीं ले सकते इतने बड़े टाइम पे। चल चल चल, मैं हूं ना, खड़ी हूं ना, पहले वॉशरूम होके आऊंगी। तो चल मैं कराती हूं वॉशरूम, चल। तो गाइस पायल को ना बहुत तेज पेन हो रहा है, पेन ना मैंने 10-15 मिनट बाद ना पेन बढ़ता जा रहा है। तो मैंने फटाफट ना पैकिंग कर ली, बस मैंने अपने जैद के कपड़े रख लिए, क्योंकि जैद को मैं घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसको मैंने फीड करा दी है। तो मुझे टेंशन नहीं है, तो उसको भी लेके मैं साथ में जा रही हूं हॉस्पिटल। चलो बेटी चलो, फाइल वाइल उठा लेना यार, क्या रह गया? समझ में नहीं आती है तुम्हें, उसको पेन हो रहा, तुम्हारे फैशन नहीं होते खत्म। चल रुक जा, आराम से चल, इधर आ जा मेरे पास, जल्दी चलो, बस आगे नीचे खड़े सारा। मैं जैद को घर पे नहीं छोड़ सकती ना अकेला, वो रोता है फिर, कोई संभालने वाला नहीं है। पायल की भी टेंशन हो रही है मुझे, मैं दोनों को मैनेज कर रही हूं। टेंशन मत, सुबह देख लिया, 2 तितली आएंगी घर पे, बस हो गया। बहुत 9 महीने हो गए। भाई आएगा, बहन आएगी, बस पायल बस कमर में बहुत, बस 2 मिनट हो जा, लिफ्ट आ गया, लिफ्ट 8 मिनट आ गई। तो पायल का भैया तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल चल रही है। तो पायल वॉशरूम में थी, मैंने फटाक से कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि मैं कल सुबह से नहीं नहाया। वर्कआउट जिम काम, टाइम ही नहीं मिला। हो जाएगी ठीक, देख चल चल आगे, 2 मिनट में पहुंची। चल हो गए, बस आराम से फोन पकड़े इसका पायल का। अब मत रो ना, बस आज अब खुशियां ही खुशियां आने वाली, ठीक है? अब मत रो, मत रो, मम्मा को बोलो रो ना बिट्टू, मम्मा बोलो, मम्मा रो मत, मम्मा रो मत, मम्मा पंखा बंद करो, बोलो मम्मा बस कोई बात नहीं, मैं परेशान हो रही थी ना इन टाइम में, फिर इसको देखने का सब कुछ। मेरा फोन ले उठा के, मेरा फोन वहीं छोड़ा है, कोई नहीं, वो बोल शोभी भाई को बोल लेके आएगा मेरे फोन, सभी भैया जल्दी लेके इधर आ, मेरे पास आ। सब कुछ ठीक ठाक हो, और डॉक्टर जाके इसका जो भी होता है वो कर के और हमें खुशखबरी दे दे। जिस चीज का इंतजार था ना आप लोगों को, हमें बस आगे ग्राउंड फ्लोर पर बैठ के चल आराम से। चलो चल तू, आप चल चल चल, बस पहुँचे, सब रुको मत ना, बस 1 मिनट में पहुँच जाएंगे, बस अपने घर के पास ही तो है, 1 मिनट पहुँच जाएंगे आगे, बस चल आराम से।
तो गाइस बस सब कुछ ठीक हो, दुआ करना। बस पहुंचने वाले पर दो चार मिनट है, पाँच मिनट की बात है, पर पेट बहुत टाइट हो, बस पाँच मिनट की बात है। एडमिट कर लेंगे, ट्रैफिक वैफिक कुछ भी नहीं है, बस भैया फटाफट गाड़ी तो नहीं लेके जा सकते, बस पाँच मिनट पर सांस ले, सांस ले। डॉक्टर मतलब ये लगा लो डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि अभी उनको कहीं पार्टी वार्टी में जाना था तो गोलू ने फोन कर रखा था बहुत पहले से, पाल की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ये वो, तो कहते तू फटाफट ले, हम वेट कर रहे हैं बस अब पहुंचने वाले। जैद सो रहा, जाग रहा है? जैद को सुला रही हूँ मैं बिल्कुल, साथ साथ ना इसे घर से मैं फीट करा कर लाई हूँ कि बिल्कुल परेशान ना होइए। तो फाइनली गाइस हम हॉस्पिटल पहुंच गए, बस पायल का चेकअप चल रहा है और हम यहाँ पे बैठे हैं, तो जैसे भी होता है डॉक्टर बताएंगे, हम आपको अपडेट देते हैं। हाँ जी, शुभ भाई बहन आएंगे, बड़ी ऊँची होगी, शुभ शुभ मजा आ जाएगा। इसको पता है कुछ भी, इसको पढ़ो के पता चलेगा सब कुछ, चीकू को पता है, इसको ब्लॉग दिखाएंगे ना, जब छोटा से बड़ा हो जाएगा ना, सारे बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो हमारे तो फोटो भी नहीं मिलती थी, ये तो पूरा पूरा ब्लॉग देखेंगे, पूरा पूरा कैसे पैदा हुए, कैसे शूट हुआ सब कुछ। बस गाइस सब कुछ सही हो जाए, पायल की डिलीवरी टचफुट सब कुछ सही हो जाए, इस टाइम का इतना इंतजार था ना, इतना इंतजार था, फटाफट हम बस भागे भागे आए हैं। मैम एक बार चेक कर रही है, देखते हैं क्या होता है। बस डॉक्टर साहब ने देख लिया है, रिपोर्ट सब कुछ अच्छी है, बस वो ये पेन है, पेन से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बताइए मैडम, पायल का अब 9th मंथ चल रहा है और इसको पेन हो रहा है, पहले भी पायल पेन के साथ आई थी बट पेन बंद हो गए थे तो वी सेंड हर होम, पर आज पायल की हालत थोड़ी सी ढीली लग रही है, पेन ज्यादा आ रहे हैं, इसको हम एडमिट करते हैं, वॉच करते हैं कैसे रहता है, दोनों बच्चों की हार्ट बीट ठीक आ रही है, एंड लेट अस वेट एंड watch and see how it works out. ठीक है मैम, मैं ऊपर लेके जाऊँ फिर इनको? ठीक। तो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि नूपुर मैम को कमेंट कर रहे हैं कि ना वो बहुत एरोगेंट है, मतलब यार वो इतनी स्वीट है मैम, इतनी स्वीट है, हम कभी भी मैम को कॉल करते हैं ना रात को, आधी रात को भी कि मैम ऐसे ऐसे बात है, तो मैम हमें पर्सनली अटेंड करती है, हर एक चीज हम अच्छे से देखते हैं, पूरी प्रेगनेंसी देखी, जैद को देखा और पायल को देख रही है, उसके बाद बावजूद मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितना जाहिल होते हैं, जिनको बिल्कुल तमीज नहीं होती, जो अपने माँ बाप के नहीं होते, भगवानों के नहीं होते, अपने पति के नहीं होते, अपने बच्चों के नहीं होते, मैडम आपको तो गलत बोल ही सकते हैं ना, तो इग्नोर करो, मैडम ने सुबह से टेंशन में नहीं नहीं अभी यहाँ पे तीन बच्चों की फोटो आएगी, जैद भाई बहन जो भी होंगे सबकी फोटो यहाँ पर आएगी, चीकू को भी नहीं छोड़ना, हाँ तो चीकू की भी लगाएंगे, फिर एज अ पूरी फैमिली लगाएंगे। चलो ठीक है, चलो भैया। तो दोबारा से भैया हम उसी रूम में पहुँच गए हैं और सब बहुत सारे लोग हैं, इनका खाना मंगवाता हूँ होटल से, और पायल मैडम हमारी बेड पे आराम कर रही है। हाँ भाई लड़की, हाँ जी, टेंशन मत ले, सब ओके रिपोर्ट आएगा, हॉट सीट पर है, ये देख आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, टेंशन मत ले, पानी पी ले जितना भी पीना है, जितना पीना पी ले, 12 बजे बाद कुछ नहीं पिएगी, पानी तो दे दो। हाँ भाई, हाँ पानी बहुत दे दो बच्चे को। तो गाइस अभी बहुत तेज पायल की आवाज आई चीखने की, मैं फटाफट भाग के गई, पायल को ना इंजेक्शन लगा है स्किन के अंदर, तो वो शायद इंजेक्शन इसलिए लगता है कि कुछ टाइम बाद पता चलता है कि अगर एलर्जी है तो इंजेक्शन नहीं लगाते तो बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि स्किन में जाता है। तो पायल को बहुत ज्यादा भूख लगी है और पायल के लिए मजेदार से घर से खाना आ गया है, बस अभी पायल उठेगी, 20 मिनट और लगेंगे उसको, 20 मिनट एक एनेस्थेसिया तो हो गई, एक और लगेगी 20-25 मिनट, अभी आप गेस कर सकते हैं। तो बच्चे क्या आने वाले हैं घर में, लक्ष्मी आएगी या फिर कन्हैया जी आएंगे, क्या आएंगे? मैं चाहता हूँ कि एक लक्ष्मी और एक कन्हैया जी दोनों आए, मैं चाहता हूँ कि दोनों भी जो है ना लड़कियाँ हो, दोनों लड़कियाँ, दोनों गर्ल्स आए, दोनों लड़कियाँ आए, दो भाई दो बहन, फैमिली कंप्लीट हो जाए और आप भी कमेंट करें। बाकी देखो बाकी भगवान जी के ऊपर है सब कुछ, हम सिर्फ बोल सकते हैं कल के बाद जो हमारे गैसेस है वो बंद हो जाएंगे, जो उन्होंने देना है वो हमें बिल्कुल मंजूर है, बट एक होती है ना दिली इच्छा की ये हो, तो ये हमारी दिली इच्छा है। तो पायल से भैया अभी दर्द सहन नहीं हो रहा, क्या दर्द हो रहा है? आराम कर ले, बस एनेस्थेसिया हो जाए ना, फिर कुछ खा लियो, फिर इंजेक्शन दे के आराम कर ले, दर्द हो रहा है बहुत। क्या लगता है रात को ही हो जाएगा? पता नहीं मुझे, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ है? अभी तो देख के लिए डॉक्टर, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ, रिपोर्ट में तो मुझे लग रहा है अभी टाइम लगा, कितनी देर होगी? 21 मिनट शायद लग रहा है, रात को डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि ना अभी पेन वेन हो रहा है पायल को। जतिन भाई कहाँ है? जतिन भाई लगी दिल्ली गए थे, जतिन भाई ना हमेशा ही करते हैं, अभी वो दिल्ली गए किसी काम से, अभी मैंने बोला ना पायल की डिलीवरी, रास्ते से गाड़ी घुमा ली, सारे काम कुम छोड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने फोन किया था, अभी आ रहे हैं रास्ते में। अब ठीक रही है, बस हो जाएगा, टेंशन मत लेना पायल, सब हो जाएगा, देख आज इतना मेकअप भी करके आई है तू, हैं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो बस यार सोच, ये आखिरी लग रहा है, सुराख हो रहा है, आखिरी हो रहा है, फिर बस आराम से रेस्ट वेस्ट कर लो, ठीक है? रेस्ट भी नहीं कर पाएगी, फिर दो बच्चे आ जाएंगे, वो नहीं सोने देंगे, कोई बात नहीं। गोलो इसको पकड़ बेटा, वरना आराम से,
होगा 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 बेटी होगा होगा मेरे बच्चे बस बहुत मुश्किल टास्क है आजकल बच्चे पैदा करना। मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं सारी जगह कैनुले लगाना। थोड़ा नीचे कर दूंगा ही बैठे। नहीं नहीं ऐसे ठीक है, ऐसे दर्द हो रहा है, वैसे दर्द हो रहा था। तुम है ना सारी की सारी बेफिक्र है। अरे होता है यार, आज के दिन मम्मी पापा की याद आते है। गोलू पति तो है फिर भी आते है, माँ बाप की याद आती है कि मम्मी बोलू ना डुलू मैं हूँ ना क्यों रो रही है, चुपो। देखते हैं वो तेरी सारी वीडियो, ठीक है, उनकी मजबूरी है वो नहीं आ सकते, ठीक है, प्यार बहुत करते इधर से सब देखते हैं, तेरी हर एक चीज देखते हैं। तू क्यों रो रही है अबे अनिष्ठा, चुपो, चुप करा इनको, चुपो। हाँ बच्चों को हो जाएगी फिर मसा है, तो बच्चों का वेट बढ़ा, अब रोएगी तो फिर सारा खराब हो जाएगा। चुप हो, चुप हो जाओ, उधर आ जाओ उसके पास। मैं तो कह रहा हूँ लड़कियाँ आ जाए दो जुड़ो, हाँ मजा आ जाएगा। जब एक घर में से गायब वगैरह दूसरे को ढूंढा करूंगा, एक गलती करेगी दूसरे को डांटा करूंगा। पापा को मैसेज दे देगा, अच्छा बोल दे, बोल देख रहे थे, बोल दे कुछ। मम्मी पापा मेरी बहनें हैं मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है आप लोग सब मुझे रोज देखते हो तभी आप मुझे कॉल नहीं करते हो, आप लोगों को पता है मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, और इसी चीज की तसल्ली आपको। तो बस कल आप लोग फिर से नाना नानी बनने वाले, कर लेना, सबके पास नंबर है, कॉल कर लेना, लड़की को बहुत अच्छा लगे इसको। राहुल के पास नंबर है, मनीष के पास है, और मरिया के पास है, सबके पास है, तो हमें अच्छा लगेगा, कॉल कर लेना। नाराजगी जिंदगी भर रखना पर कल के दिन मत रखना। तो चीजें सारी सेम हो रही है, गोलू की डिलीवरी पे भी गोलगप्पे आए थे, पाई की डिलीवरी पे भी गोलगप्पे आए, उस दिन भी तूने खाए थे, आज भी तू खा रही है। एक बात सच सच बताना क्योंकि सब लोग थोड़े उदास है, थोड़े हंसी मजाक हो जाए। गोलू तो यहाँ बैठी है ना, ऐसा लग रहा है जैद की माँ ये है, किसी ने बच्चे को जन्म दिया। देखिए तो वही कमरा, वही गोलू, वही पायल, बस आज बेड चेंज हो गए हैं, कोई आज इस बेड पर लेटा हुआ और कोई खाना यहाँ से खिला रहा है। मरीज चेंज हो गया, मरीज थोड़ी कहते हैं इसको, बेड वही है, मरीज चेंज हो गया। हाँ मरीज पेशेंट तो बोलते हैं, पेशेंट को हिंदी में मरीज बोलते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और बने रहें, सरप्राइज मिलेगा आपको अगली वीडियोस में, धमाका होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। दुआएं कीजिए, बहुत सारी वीडियो को शेयर करना, और इस वीडियो पे कम मुझे चाहिए आपसे 3 लाख लाइक और 10 मिलियन व्यूज। और सबको पता होना चाहिए कि कल पायल का बेबी होने वाला है, यानी कि फैमिली फिटनेस जो ऑडियंस है वो बहुत सारा प्यार दें। लव यू, पहली बार बोला, कभी नहीं बोला जिंदगी में। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली।